हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी को आप हाइड कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप अगर अपने इंस्टाग्राम ऐप पर, यानी कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी स्टोरी को अपलोड करते हैं ना, तो आप अपनी स्टोरी को हाइड कैसे कर सकते हैं कुछ गिने चुने लोगों से, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी को अगर हाइड करना है तो आपको यहाँ पर करना क्या है, अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है सबसे पहले। इसके बाद आपको नीचे की साइड ये आपको ये प्रोफाइल पिक्चर दिखती है, प्रोफाइल पिक्चर पे आपको टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको सबसे ऊपर ये थ्री लाइन का ऑप्शन दिखता है, तीन लाइन एक साथ है, इसे आपको टैप करना है। यहाँ पर इस पेज में आपको ये सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ना नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा हाइड स्टोरी एंड लाइव, ठीक है। हाइड स्टोरी एंड लाइव पे टैप करना है तो यहाँ पर आपका ये वाला पेज आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिया हुआ है हाइड स्टोरी एंड लाइव फ्रॉम, तो यहाँ पर आपको इसे टैप करना है। तो यहाँ पर आपके जितने भी आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, यानी कि आपके इंस्टाग्राम पे जितने भी फ्रेंड हैं आपके इंस्टाग्राम पर, वो सभी नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना आप जो है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को किन लोगों से आप जो है छुपाना चाहते हैं, यानी कि हाइड करना चाहते हैं, तो उन्हें उसके नाम के आगे आपको जो है टिक मार्क लगाना है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये सुनीता नेगी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसे जो है यहाँ पर टिक मार्क लगा लेता हूँ, इस तरीके से राइट टिक लग गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन को आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, एक पर्सन से आप यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पर जो है ना ये राइट टिक लगा सकते हैं। यानी कि जितने लोगों के नाम के आगे आप राइट टिक लगाएंगे ना, उतने लोगों को आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। तो बाकी सभी लोगों को आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखाई देगी, जितने भी आपके बाकी इंस्टाग्राम के फ्रेंड होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सेटिंग ना ऐसे काम करती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ना ये इंस्टाग्राम की स्टोरी हाइड अगर करनी है ना, तो पहले आपको जो है उस पर्सन के आगे पहले राइट टिक लगाना है, इसके बाद आपको जो है अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी जो है अपलोड करनी है, ठीक है, तभी हाइड होती है। ऐसे नहीं है कि आपने पहले से जो है अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी अपलोड कर दी है, फिर इसके बाद अगर आप हाइड करेंगे तो वो हाइड नहीं होता। पहले आपको यहाँ से जो है हाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो है आपको पहले हाइड करिए, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी अपलोड करनी होगी, तब उस पर्सन को जो है जिसके नाम के आगे आपने राइट टिक लगाया होगा, उस पर्सन को जो है आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखाई नहीं देगी, ठीक है, बाकी सबको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सेटिंग ना इस तरीके से काम करती है, इस तरीके से आप जो है अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी को हाइड कर सकते हैं उस पर्सन से। ध्यान रखिएगा कि जब तक आप इसे जो है उस पर्सन के नाम के आगे से अगर राइट टिक अगर लगा रहेगा, तो आप जितनी बार भी स्टोरी आप अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम की, तो उतनी बार तक उस वाले पर्सन को जो है आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखाई नहीं देगी कभी भी, ठीक है ना। अगर आप राइट टिक को हटा देंगे, राइट टिक हटाने के बाद अगर आप जो है कोई भी स्टोरी अपलोड करेंगे, तब जाके दिखाई देगी। जब तक नाम के आगे राइट टिक लगा हुआ है, तब तक उस पर्सन को जो है आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखाई नहीं देगी, बाकी सबको दिखाई देगी जो भी आपके इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स होंगे, ठीक है ना। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है, और इस तरीके से आप जो है अपने इंस्टाग्राम ऐप की स्टोरी को आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है।